अभी अभी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। हाल ही में हुए एक उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र की सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, इस चुनाव के नतीजों ने कांग्रेसी खेमे में खुशी की लहर ला दी है। दोस्तों, क्या कांग्रेस पार्टी फिर से फॉर्म में लौट रही है? लगातार स्थानीय चुनाव में मिल रही कामयाबी से क्या आगामी होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाएगी? कमेंट करें, अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं शेयर करें। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में नगर निकाय उपचुनाव हुए थे। कांग्रेस ने प्रदेश के 10 जिलों के विभिन्न निकायों में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में रिक्त पदों पर हुए चुनाव में कांग्रेस ने सीधे मुकाबले में भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है। आपको बता दें कि राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश भर में निकाय में रिक्त पड़े 12 वार्डों के संपन्न कराए गए चुनाव के परिणाम मंगलवार को घोषित किया है, जिसमें राज्य की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी ने निकाय में रिक्त पड़े 12 वार्डों के लिए हुए उपचुनाव में ज्यादातर सीटों पर जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि रिक्त पड़े निकाय के 12 वार्डों में क्रमशः 1 नगर निगम में 2 वार्ड, 2 नगर परिषदों के 2 वार्ड और 8 नगर पालिकाओं के 8 वार्ड शामिल है, जिनमें कांग्रेस ने 12 वार्डों में से 9 वार्डों में जीत दर्ज की है। तो वहीं दूसरी तरफ कुल 12 वार्डों में से भाजपा के खाते में महज 2 वार्ड ही गए हैं। वहीं 1 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि इन सभी वार्डों में 4 अगस्त को उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में जीत के बाद जल्दी प्रदेश में निकाय और पंचायत राज के होने वाले मुख्य चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा सहित अन्य दलों ने भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। राज्य में निकाय के खाली पड़े वार्डों में उपचुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलने पर राज्य के सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने खुशी जताई है। सीएम अशोक गहलोत ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर जनता को बधाई देते हुए लिखा कि आज आए निकाय उपचुनाव के नतीजे सुखद है। 12 में से 9 वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। आगे उन्होंने लिखा कि मतदाताओं का आभार और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं विजयी उम्मीदवारों को बधाई। तो वहीं दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए खुशी जाहिर करते हुए लिखा कि नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव में 9 वार्डों में कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है। विजेताओं को हार्दिक बधाई। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे खुशी है कि जनता ने समर्थन देकर एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया है। हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे। आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने 2020 में राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव के कार्यक्रम भी पहले से ही घोषित कर दिए हैं। इस चुनाव प्रक्रिया को वर्ष 2020 के जनवरी फरवरी महीने में संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक आदेश भी जारी कर दिया है। होने वाले चुनाव के लिए विस्तृत कार्यक्रम इस साल के दिसंबर के अंत तक राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।